हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी मीटिंग हुई स्कोवा की। एक स्कोवा बहुत ही बड़ी मीटिंग होती है, 32 मीटिंग हुई, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो बहुत सारे उसमें इश्यूज थे, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी डिमांड्स थी। कौन कौन सी डिमांड्स पूरी हुई, कौन कौन से रिजेक्ट हुए, पूरे डिटेल में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यू आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 32 मीटिंग ऑफ स्कोवा, स्कोवा बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंट्री एजेंसीज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनेबल MOS PP होता है, जो कि 12 अप्रैल को हुआ है और 11 बजे हुआ है। इसके साथ में इसमें 11 जो इशूज थे कर्मचारियों पेंशन को, इसमें डिस्कशन भी हुआ, जिसमें बहुत सारे इशूज थे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर। था ये आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा जो इशूज थे अनाउंसमेंट ऑफ पेंशन पॉइंट नंबर 7 में, और इसमें DADR का भी बहुत बड़ा मुद्दा था 18 महीने के। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, पेमेंट्स ऑफ DADR एरियर्स फ्रीज्ड फ्रॉम 18 मंथ्स फ्रॉम 1/1/2020 टू 30 जून 2021। इसके अलावा जो एक्शन लेना था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लेना था। पॉइंट नंबर 7 में आप देख सकते हैं इनहांसमेंट ऑफ पेंशन था। इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी थी। तो इसमें कौन कौन से क्या क्या था हम थोड़ा सा बता देते हैं। पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं द पेंडेमिक वाज साइटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ DADR फॉर 18 मंथ्स फ्रॉम 1/1/2020। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड द DADR राइज ऑफ 11% ड्यू प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1/7/2021, बट अनफॉर्चुनेटली द एंटायर एरियर्स फॉर 18 मंथ्स आर स्टिल फ्रीज्ड। द पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स आर स्ट्रगलिंग टू कोप अप ड्यू टू राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, देयरफॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वेस्टेड रिलीज द फ्रीज्ड DADR फॉर 18 मंथ्स टू इट्स एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। फैमिली पेंशनर्स इमीडिएटली पेमेंट कुड बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स इफ़ पेमेंट इन लमसम इज नॉट पॉसिबल। तो सरकार से रिक्वेस्ट की गई थी, इसको एक्शन जो लेना था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लेना था, कि जो गवर्नमेंट है वो पेमेंट करे, रिलीज करे इंस्टॉलमेंट्स में, या अगर लमसम अगर नहीं दे सकती सरकार तो उसी के बाद। आप देख सकते हैं इनहांसमेंट ऑफ पेंशन का भी था, और इसके अलावा जो है कई सारे जो फिक्स मेडिकल अलाउंसेस के जो नॉन सिग्नेचर एरियाज में रहते हैं उसमें भी बड़े मुद्दे थे। तो इन टोटल 11 मुद्दों पर आप देख सकते हैं बात हुई, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इसके जो एजेंडा था इस मीटिंग का। तो अब जो है अभी तक इसके मिनट्स नहीं आए हैं, मिनट्स जैसे ही आ जाएंगे इस मीटिंग्स के वो भी हम आपको ज़रूर बता देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।